हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जी पैट रिविजन क्लासेस में आपका स्वागत है। लेकिन जो आज का वीडियो है वो है बेसिक प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। जो बेसिक प्रोसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि आपको बता दें, ये फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी के लिए बेस्ट है और हम उसी पे वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? All living organism have certain characteristics that distinguish them from non-living forms. The basic process of life include, जो basic process होते हैं life में, include जो हैं वो organization है, दूसरा metabolism, तीसरा responsiveness, चौथा movements and reproduction. That is called लाइफ प्रोसेस। बट और भी हैं आगे, टोटल 10 हैं, सभी को देखेंगे। इन ह्यूमन हु रिप्रेजेंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म लाइफ, देयर आर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स सच एज ग्रोथ। जो रिक्वायरमेंट है इसमें जो ऐड किया गया है, जो हमारे लाइफ का जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो है ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रिएशन। All of these process are interrelated. जितने भी हैं वो सब, जितने भी प्रोसेस हैं वो interrelated हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से interrelated हैं। ओके, नेक्स्ट, द फ्लोइंग आर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लाइफ प्रोसेस। ब्रीफली में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड मेटाबोलिज्म है, थर्ड रिस्पॉन्सिवनेस है, फोर्थ मोमेंट है एंड फाइव रिप्रोडक्शन है। ओके, नेक्स्ट, इन ह्यूमन रिप्रेजेंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये हम आपको बता दिए। ये सिक्स नंबर ग्रोथ है, सेवन नंबर डिफरेंशिएशन, एट नंबर रेस्पायरेशन एंड नाइन नंबर डाइजेशन एंड टेन नंबर एक्सक्रिएशन। ओके, ग्रोथ मीन्स आप जान रहे हैं, ग्रोथिंग होते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन जान नहीं रहे, डाइजेशन जान नहीं रहे, एक्सक्रिएशन जान रहे, नहीं भी जान रहे फिर भी हम आगे बताएंगे, वन बाय वन करके सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड। जितने भी प्रोसेस हैं सभी एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, नो पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्म द स्मॉलेस्ट सेल टू अ कंप्लीट बॉडी सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन। ओके, ऑल फंक्शन, सभी फंक्शंस टुगेदर इन फाइन ट्यून्ड बैलेंस फॉर द वेल बींग इंडिविजुअल एंड मेंटेन लाइफ। ओके, नेक्स्ट, अब ब्रीफली डिस्क्रिप्शन जानेंगे। फर्स्ट जो था ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, ईच कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट हैज़ इट ऑन जॉब, सभी का अपना अपना काम रहता है, टू परफॉर्म इन कोऑपरेशन विथ अदर। सभी का अपना अपना काम रहता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं काम रहता है, अपने अपने बॉडी में जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। ओके, इवन अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल भी इफ़ इट लॉसेस इट इंटीग्रिटी और ऑर्गेनाइजेशन विल डाई। नेक्स्ट, मेटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सेकंड, मेटाबॉलिज्म इज़ ए ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द केमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, दैट अकर्स इन द बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म के सहारे से होते हैं। इसको ब्रॉड टर्म में भी अगर पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। वन फेज़ ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक फेज़ अगर मेटाबॉलिज्म को देखें तो उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म, इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, देन एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, चलिए, थर्ड, रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है?
रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स होता ही एक रिस्पॉन्ड करना, ओके, रिस्पॉन्स देना। तो देखते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस और इरिटेबिलिटी इज कॉन्सर्नड विथ डिटेक्टिंग चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि डिटेक्टिव चेंज मतलब कि देखिए, इंटरनल यानी कि अंदर का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट, वो डिटेक्टिंग चेंज हो रहा है, ओके, ठीक है। एंड रिएक्टिंग, और वो कैसा रिएक्ट कर रहा है टू दैट चेंज, इट इज एक्ट ऑफ सेंसिंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस, ओके। फोर्थ नंबर इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मीन्स मूव करना, वन बॉडी टू अनदर बॉडी से मूव कर, मतलब कि अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। जैसे हमें देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ऑन द सेलुलर लेवल मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं, सेलुलर लेवल मॉलिक्यूल्स, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह हमारे बॉडी के अंदर ही, ठीक है। जैसे मैं देखिए, ब्लड मूव्स, जो हमारे ब्लड हैं, मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। हमारे बॉडी के बॉडी में जो ब्लड हैं, वो खुद से सोचिए, एक पार्ट से हमारे दूसरे पार्ट में हमेशा फ्लो करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, ओके। सेकेंड, द डायफ्राम मूव्स, जो डायफ्राम होते हैं हम लोग का, विथ एवरी ब्रीथ, हम जब भी सांस लेते हैं, जो डायफ्राम होते हैं वो मूवमेंट जरूर करते हैं, तब भी हम लोग सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मसल फाइबर टू शॉर्टन एंड दस द प्रोड्यूस मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, ओके। बहुत सारे मूवमेंट हैं हम लोग के बॉडी के अंदर, होते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। फिफ्थ नंबर इज रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादा पीपल जो हैं वो, रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पर्सन। ज़्यादा पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, रेफर करते हैं कि फॉर्मेशन करते हैं न्यू पर्सन का, द बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे का जन्म जो होते हैं उसके बारे में ये बता रहा है। इन दिस वे, अगर हम इस वे में देखें, तो लाइफ इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट थ्रू रिप्रोडक्शन। जो वन जनरेशन है उसको हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्रू रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के थ्रू हम नेक्स्ट जनरेशन को ला रहे हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को ला रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इन अ सेंस, अगर सेंस में देखें, अपने सेंस में देखें, तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर द रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड सेल्स एज वेल एज फॉर ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दिस इज सेलुलर रिप्रोडक्शन, बोथ आर इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। ये क्या हो रहा है, ह्यूमन रेस चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट, ग्रोथ, हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे। तो ग्रोथ जो होते हैं वो आप भी जानते हैं कि हम पहले क्या थे, बच्चे थे, छोटा थे, अब धीरे धीरे हमारे बॉडी का जो ग्रोथ हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। वो ग्रोथ होने, उन ग्रोथ होना, तो ग्रोथ हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है हमारे बॉडी का जो साइज शेप जो भी है वो बढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ ही बोलेंगे। तो ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज साइज आइदर थ्रू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, जो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और साइज जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन द साइज ईच इंडिविजुअल सेल, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, ओके। इन ऑर्डर ग्रोथ टू अकर, एनाबॉलिक प्रोसेस मस्ट अकर्स एट द फास्टर रेट देन कैटाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। सेवन नंबर क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन, ओके।
डिफरेंशिएशन इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल चेंज इनटू स्पेशलाइज्ड सेल विथ अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. थ्रू डिफरेंशिएशन सेल्स डेवलप इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन. डेवलप क्या करता है? टिश्यू एंड ऑर्गन. ओके. एट, रेस्पिरेशन मतलब कि श्वासीकरण, मतलब कि सांस लेने का जो भी है प्रोसेस उसको देखेंगे. रेस्पिरेशन रेफर्स टू द ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इट इंक्लूड्स, इसमें हम इंक्लूड्स जो करेंगे वेंटिलेशन, द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस इन द ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं किस में, ब्लड में, हमारे ब्लड में ही तो जाते हैं जितने भी ऑक्सीजन्स हैं, ब्लड के थ्रू जाते हैं, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ जाते हैं, ब्लड के थ्रू ही जाते हैं हर जगह बॉडी में. ठीक है. सेलुलर रेस्पिरेशन डील्स विथ द सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स मेटाबॉलिज्म दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ओके. नेक्स्ट, डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स सभी को जानते हैं कि डाइजेशन क्या है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानते हैं, जानेंगे. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ब्रेकिंग डाउन होता है कॉम्प्लेक्स इनगेस्टेड फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी. ओके. दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. एक्सक्रिएशन मतलब कि बाहर निकालना, एक्सक्रिएट करना, अपने बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्ट हुआ हम उस चीज़ को एक्सक्रिएट करेंगे, बाहर निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? ठीक है. एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस रिमूव फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के थ्रू एंड मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. इट गेट रिड द बाई प्रोडक्ट्स दैट द बॉडी इज अनेबल टू यूज मेनी ऑफ विच आर टॉक्सिक एंड इनकम्पेटिबल कम्पेटिबल ऑफ लाइफ. ओके. चलिए आगे देखते हैं. द 10 प्रोसेस डिस्क्राइब अबव द इनफ नॉट इनफ सॉरी नॉट इनफ टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल बिकॉज जो ये एडिशनल हैं अलग से प्रोसेस डिपेंड्स ऑफ द सर्टेन फिजिकल फैक्टर फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ये वाटर भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी हैं, हीट भी ज़रूरी है, प्रेशर भी ज़रूरी है. ठीक है. ये सब भी ज़रूरी हैं तभी जा कर के हमारा लाइफ भी चलता है. ठीक है. तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, और शेयर कीजिए इसको. ठीक है.